तो हे गाइस एंड मेरा नाम है सौरभ काले और मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो यार आज का जो टॉपिक है गाइस वो बहुत ओपी टॉपिक होने वाला है, क्योंकि गाइस आज जो होता है गाइस M4+6X जिसके लिए भाई सबसे ओपी चीज मानी जाती है, ठीक है, पबजी मोबाइल में, वो गाइस कैसे करनी है जायरोस्कोप। ठीक है, जायरोस्कोप ये देखो, जायरोस्कोप ये होता है भाई, जायरोस्कोप ये जो तुम लोग देख रहे हो, ठीक है, तो इसे सिंपली जायरोस्कोप कहते हैं। तो यार थोड़ा सा मैं हैंड कैम पहली बार कर रहा हूँ एंड मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ ये चीज का मैं आप लोगों को एंड में पोस्ट डाल दूंगा, ठीक है, मतलब एंड में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा फोटो खींच के कि मैं किस तरीके से हैंड कैम कर रहा हूँ, एंड वहां से गाइस आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो यार बात आती है गाइस जायरोस्कोप को कैसे सीखे, ठीक है, जायरोस्कोप को कैसे मास्टर करना है आप लोगों को, ठीक है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए हैंड कैम लाया हूँ एंड वीडियो के एंड तक देखना, ठीक है, जिससे कि आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स आज की वीडियो में शॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे गाइज हम लोग जायरोस्कोप को, आप लोगों को M4+6X सीखना है। तो 6X का पहली टेक्निक बता देता हूँ, 6X ये फुल 6X बहुत कम बंदे करते हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है, आप लोगों को 6X को 3 कंट्रोल करना है, ये बेस्ट चीज है गाइज रिकॉल कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद गाइज आप लोगों को, अभी मैं आप लोगों को सेंसिटिविटी दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसके हिसाब से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि 6X कैसे वर्क करता है जायरोस्कोप के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेंसिटिविटी में जाते हैं हमारी, ओ भाई, तो ये रही सेंसिटिविटी। यहाँ से क्या सबसे पहले सेंसिटिविटी जो कैमरा सेंसिटिविटी आती है, तो वो चीज है क्या, ये देखो जो कैमरा सेंसिटिविटी है वो वर्क कहाँ पे करती है, ये रही है, ये देखो, ये देखो यहाँ पे जो मैं एम एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये है कैमरा सेंसिटिविटी, ठीक है। जब भी मैं देखो मोबाइल को टिल्ट मैं नहीं कर रहा, फिर भी मैं एम को इधर उधर हिला रहा हूँ, तो ये है कैमरा सेंसिटिविटी, ठीक है। तो ये सेंसिटिविटी जब आप फायर नहीं करते हो, जब आप एम एडजस्ट करते हो तब काम में आती है, ठीक है। जैसे कि मैं देखो अभी मैं यहाँ पे एम एडजस्ट किया, ठीक है, यहाँ पे एम एडजस्ट किया, अभी यहाँ पे एम ले जा रहा हूँ, तो ये हो गया कैमरा सेंसिटिविटी, ठीक है। तो इसके बाद की बात अगर हम लोग करेंगे, जो दूसरी सेंसिटिविटी जो आती है हमारी ADS सेंसिटिविटी, एम डाउन सेंसिटिविटी, ठीक है। तो ये ADS सेंसिटिविटी का मतलब होता है गाइस एम डाउन सेंसिटिविटी। तो एम डाउन सेंसिटिविटी कहाँ पे काम आती है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो अब जब आप लोग यहाँ पे एम एडजस्ट कर दिए, ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे एम एडजस्ट कर दिया, अब जब आप लोग फायर करते हुए जब आप एम को नीचे ले आते हो, ठीक है, जब ये देखो जो अंगूठा है, जो मेरा ये वाला राइट साइड का अंगूठा है, इसको मैं नीचे ले आ रहा हूँ, देखो तो वो है, ये देखो ये जो नीचे हो रहा है, ठीक है, फोन नहीं, ये जो मैं अंगूठे से नीचे कर रहा हूँ इसको, ये होती है एम डाउन सेंसिटिविटी। ये देखना तुम लोग अभी, ये होगी गाइज एम डाउन सेंसिटिविटी, ये रही, ठीक है। तो सिंपली ये होती है एम डाउन सेंसिटिविटी एंड ये देखो ये कुछ इस तरीके से वर्क करती है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉल कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ये मैं आप लोगों को एंड में स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा कि मैं किस तरीके से खेल रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग हंस दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज होगी, मेरे को कंट्रोल्स भी नहीं दिख रहे बराबर, ठीक है, ओ भाई मैं क्या करे जा रहा हूँ। तो ये तो हो गया, ठीक है, अब बात करते गाइस जायरोस्कोप की, ठीक है, ये सेंसिटिविटी, तो ये हो गया गाइस जायरोस्कोप, ये देखो मैं फुल जायरो प्लेयर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीन हो रखा है अब देखना तुम लोग, अब जायरोस्कोप माने ये होता है, ठीक है, कि मैं कहीं पे भी मोबाइल को टच नहीं कर रहा और ये हो गया जायरो, ठीक है। तो इसको कैसे मास्टर करना है, इसके लिए करना क्या है आप लोगों को, सिंपली वेट एक मिनट, इसके लिए गाइस आप लोगों को सबसे पहले ये देखो ये जो रिकॉल कंट्रोल मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है, वो फुल जायरो की वजह से कर पा रहा हूँ, ये देखो अब, ये रही भाई रिकॉल, ठीक है। तो ये तो मैं प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हैंड कैम मैं डाल दूंगा मैं रिकॉल कंट्रोल एंड में, ठीक है। तो ये देखो तो इसे कैसे करना है भाई, ठीक है, तो ये होता है जायरोस्कोप, ठीक है। तो जो जायरोस्कोप मैंने दिखा दिया आप लोगों को, ये होता है भाई जायरोस्कोप, ठीक है, ये देखो मेरी सेंसिटिविटी देखो जायरोस्कोप की। तो भाई अब देखना तुम लोग यहां से गाइज, अभी अभी अगर मैं जायरोस्कोप ऑफ करता हूँ, ठीक है, जायरोस्कोप को मैंने क्लोज कर दिया एंड देन देखना मेरे को रिकॉल कंट्रोल कैसे करनी पड़ रही है। देखो यहां से मैं रिकॉल कंट्रोल नहीं कर पा रहा, देखो कहीं की कहीं जा रही है, ठीक है, रिकॉल। तो जायरोस्कोप से बेनिफिट होता है गाइज आप लोगों को रिकॉल कंट्रोल करने में, ये देखो यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूं मैं, ठीक है, ये देखो क्योंकि मैं फुल जायरो प्लेयर हूं, मुझसे ये चीज नहीं होगी, ठीक है। अब देखना तुम लोग, अब मैं मोबाइल को कितना भी हिला रहा हूँ तो वो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जायरोस्कोप मेरा बंद है। तो ये एक क्लोज रेंज में एडवांटेज नहीं होता है इसका आप लोगों को, क्लोज रेंज में भी और
6x के लिए भी, ठीक है, 6x के लिए जायरोस्कोप मस्ट है। अगर आपको 6x अच्छे से देना है तो आप लोगों को जायरोस्कोप, ये चीज आप लोगों को जायरोस्कोप को ऑन कर लेना है पहली बात तो, ठीक है। और इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, एक घंटा आधा घंटा ट्रेनिंग मोड में पहले जायरोस्कोप को आप लोगों को ऑन कर देना है, ठीक है। एंड गाइस इसके बाद जो सेंसिटिविटी है, ठीक है, इसमें आप लोगों को अपने हिसाब से देखना है कि आप लोगों को रिकॉल कंट्रोल आप किस तरीके से अच्छे कर पा रहे हो, ठीक है। अभी जैसे कि 6x को मैंने 3x कर लिया और मेरी सेंसिटिविटी 105 पे मैं कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। तो 105 को अगर मैं आगे ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं 130 या फिर फुल कर देता हूँ, ठीक है, मैं मीडियम जायरो प्लेयर हूँ, ठीक है, फुल जायरो प्लेयर नहीं हूँ, तो देखना अभी दिक्कत क्या होगी, ये देखो मेरे को दिक्कत क्या होगी, ये देखो ये होगी गाइस दिक्कत, ठीक है। तो ये दिक्कत से आप लोगों को बचना है, तो इसके लिए आप लोगों को अपनी खुद की सेंसिटिविटी ढूंढनी है। जैसे कि मेरी थी 105, ठीक है, तो मैं अभी 105 पे इतना कंफर्टेबल हूँ कि आप लोगों को बता नहीं सकता। इसको पहले प्लस करने दो मेरे को, तो ये हो गई भाई, ये हो गई भाई लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम लोग कि मैं कर पा रहा हूँ, देखो मैं प्रॉपर तरीके से वहीं पे स्प्रे दे पा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तो हैंड कैम की वजह से मैं नहीं दे पा रहा बराबर, तो वो चीजें हो गई, ठीक है। सो गाइज अभी तक हम लोगों ने बात की गई जायरोस्कोप होता क्या है, जायरोस्कोप वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को हैंड कैम दिखाया, ठीक है, मैंने वहाँ से गाइस एम डाउन भी दिखाया आप लोगों को, एम डाउन कैसे वर्क करता है, एंड जायरो भी दिखाया आप लोगों को कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो आप लोगों को जायरोस्कोप का जो सारी चीज़ें वो क्लियर हो चुकी होंगी, और गाइस अभी आप लोगों को रिकॉल कंट्रोल करना थोड़ा बहुत मतलब ईजी हो रखा होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से समझा दिया हूँ कि आप लोगों को करना किस तरीके से है, ठीक है। गाइस यहाँ पे बात करेंगे हम लोग 3 टाइप के जायरो यूजर्स की, ठीक है, 100% से लेके, अगर 100% अगर हम हमारा एक गॉड मानते हैं 100% को, तो एक आते हैं गाइस 10% जायरो यूज़ करने वाले प्लेयर, ठीक है, एक आते हैं 50% यूज़ करने वाले प्लेयर, और एक आते हैं गॉड जो 100% जायरो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें गाइस मैं एक 100% जायरो यूज़ करने वाला नहीं हूँ, मैं एक मिड रेंज में 50% में जायरो का यूज़ करता हूँ, क्योंकि गाइस मैंने एम को जस्ट थोड़ा बहुत, मेरा एम उतना एक्यूरेट नहीं जाता बंदे पे अगर मैं जायरो यूज़ करूँ तो, ये देखो मैं सिर्फ अगर जायरो से करता हूँ तो मेरा एम जा ही नहीं रहा बंदे पे, वही अगर मैं एम डाउन करता हूँ तो ये देखो एम डाउन करूँगा तो ये देखो भाई एटलीस्ट बंदे पे गोलियाँ लग रही है, ठीक है, जो पहले इसमें तो लग भी नहीं रही थी भाई। तो मैं एक मिड रेंज जायरो प्लेयर हूँ, ये देखो भाई मेरा स्कोप कहीं और खुल रहा है एंड मेरा स्प्रे कहीं और जा रहा है। एंड अब देखो यहाँ पे जब मैं थंब को यूज़ करता हूँ तब देखो, तब एटलीस्ट बंदे को एक गोली तो भी छू रही है, ठीक है। तो ये होते गाइस आपको अपने हिसाब से, अपने प्रैक्टिस के हिसाब से आप लोगों को अपना स्टैंडर्ड चूज़ करना है। आप लोगों को 50% जायरो प्लेयर बनना है, 100% जायरो प्लेयर बनना है, और प्रैक्टिस मैटर करती है, ठीक है। और स्प्रे करने के गाइस 3 तरीके होते हैं, 4 तरीके होते हैं स्प्रे करने के, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस के हिसाब से अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है, मतलब मेरी अभी तक 50% प्रैक्टिस हो रखी है, इसलिए मैं गाइस फुल जायरो यूज़ नहीं करता, 50% बनाऊँ, ठीक है। अभी अगर और दिन मैं कुछ प्रैक्टिस करूँगा तो मैं फुल जायरो यूज़ करना सीख जाऊँगा, ये देख लो, ये है गाइस फुल जायरो, ठीक है। अभी इसमें एम डाउन डालता हूँ मैं, देखो भाई, ठीक है। तो अभी मैं बताऊँगा गाइस 3 टाइप के प्लेयर्स होते हैं जो जायरो को 3 तरीके से यूज़ करते हैं, ये आप लोगों को मैंने बताया। अभी 3 टाइप के प्लेयर हैं जो किस तरीके से स्प्रे करते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँगा गाइस। कुछ प्लेयर होते हैं जो सीधे खड़े होकर स्प्रे करते हैं, ठीक है, ऐसे सीधे खड़े होंगे, स्कोप खोलेंगे एंड डायरेक्ट स्प्रे करना स्टार्ट कर देंगे, तो इससे तो गाइस रिकॉल की तो लग ही जाएगी भाई, मतलब होगा ही नहीं। ये देखो भाई मैं जायरो प्लस थंब कंट्रोल कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। अब देखो एक बंदे होते जो क्राउच करके करते हैं, ठीक है, और कुछ बंदे जो प्रोन करके करते हैं। अभी इसका मिथ मैं समझाता हूँ आप लोगों को, इस ये चीज़ ऐसी है, देखो अभी बंदा अगर यहाँ पे है, ठीक है, मतलब ये कितना मीटर हो गया भाई, 70 मीटर बंदा है, तो तू क्राउच करके क्यों मारेगा भाई, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तू फिर ऐसे ऐसे अगर जा रहा है तो तू डायरेक्ट भी मार सकता है उसको, देख भाई बिल्कुल हेड पे लेके, हेड पे ही गोलियाँ लग रही है, ठीक है। तो गाइज मैं आप लोगों को स्प्रे किस तरीके से करना है, स्प्रे की पोजिशंस बता रहा हूँ, ये देखो भाई 70 मीटर पे तू क्राउच एंड शूट क्यों देगा, क्राउच एंड स्प्रे क्यों करेगा भाई, जबकि बंदे को तू ऐसे ही इजीली हिट कर पा रहा है, उसके हेड ऐसे ही ले रहा है, ठीक है। और अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ये कितना मीटर है, ये मीटर है गाइस 120, ठीक है। तो 120 मीटर पे तू ऐसा स्प्रे नहीं कर सकता भाई, ये देख ऐसा स्प्रे बहुत मुश्किल से तेरी गोलियाँ हिट होंगी, तो तू यहाँ पे तुझे क्राउच एंड शूट ही देना पड़ेगा, ठीक है। ये देख भाई कितना प्रॉपरली जा रहा है स्प्रे, देखा, तो ये जो 120 से 150 मीटर के अंदर आप लोगों को क्राउच एंड शूट देना है, 50-100 मीटर के अंदर आप लोगों को
डायरेक्ट ये भी कर सकते हो आप लोग। एंड गाइस जो यहाँ से 150 मीटर से दूर, मतलब 150 मीटर यहाँ तक 150 हो जाएगा आई थिंक मेरे हिसाब से, और एक मिनट, ठीक है हाँ देखो यहाँ पे 129 हुआ, ठीक है इधर हो जाएगा, यहाँ पे 170 हो गया, ठीक है। तो 170 मीटर पे आप ये देखो, 170 मीटर पे आप ये स्प्रे नहीं दे सकते, आपकी एक दो गोलियाँ कनेक्ट होगी बाकी गोलियाँ चली जाएगी भाई, लगेंगी ही नहीं बंदे पे, क्योंकि आप लोग जायरोस्कोप न्यू ट्राई कर रहे हो, ठीक है। और आप लोगों की अगर गोलियाँ नहीं लगी तो आप फिर से अपने नॉर्मल कंट्रोल्स पे आ जाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को करना कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो ये देखो यहाँ पे नई गोलियाँ कनेक्ट होगी, तो आप लोगों के यहाँ पे क्राउच एंड शूट में भी देख लो तो नई गोलियाँ कनेक्ट होगी, ठीक है। गोलियाँ कनेक्ट उतनी प्रॉपरली नहीं होगी, ठीक है, 15 गोलियाँ वेस्ट जाएगी, 15 गोलियाँ लगेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रोनो की शूट देना, ये देखो भाई सारी गोलियाँ वहीं पे जा रही है, ठीक है। तो इस मोमेंट पे आप लोगों को 150 से ज़्यादा अगर आप लोगों को स्प्रे करना है तो वहाँ पे आप लोग ये दोगे, प्रोन एंड शूट दोगे, ये देखो कितना प्रॉपर जा रहा है स्प्रे। तो ये तरीका है गाइस जायरोस्कोप को यूज़ करने का, मास्टर करने का। एंड इसके लिए गाइस, इसके लिए आपका एम थोड़ा बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, जैसे कि ये देखो अभी आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है कि आपका एम गाइस बंदे पे ही लॉक हो, आपको देखो बंदे पे एम लॉक होना चाहिए, ये देखो यहाँ से सीधा यहाँ पे आना चाहिए, ये ऐसा बीच में नहीं रहना चाहिए, यहाँ से यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा गलत नहीं जाना चाहिए, ये देखो यहाँ पे फिर से ये देखो स्प्रे गलत जा रहा है क्योंकि एम हो ही नहीं रहा बंदे पे। तो ऐसा आप लोगों के साथ नहीं हो रहा है, ये देखो ये करना है आप लोगों को, करना ये है, ये देखो। और एक मिथ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ गाइस, आप जब भी स्प्रे दोगे तो गाइस बंदे के स्प्रे हेड से स्टार्ट नहीं करना है, जब आप 100 मीटर से ज़्यादा आप स्प्रे दोगे, आप यहाँ से स्प्रे स्टार्ट करोगे तो स्प्रे अपने आप हेड की तरफ खींचा चला ही जाएगा, क्योंकि आप वो रिकॉल में उसका हेड आ जाएगा, ठीक है, ये देखो आ गया उसका हेड रिकॉल पे। तो आप अगर हेड से स्टार्ट कर रहे हो तो देखो बेनिफिट नहीं है, ये देखो हेड से स्टार्ट कर रहे हो तो स्प्रे ऊपर जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है उसका स्प्रे, यहाँ से स्टार्ट करना है हेड तक, ठीक है। तो यही गाइस तरीका रहेगा, और प्रैक्टिस करने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ, ये देखो प्रैक्टिस करने का ये तरीका, ये देखो आना है यहाँ पे लॉक होना चाहिए, देखो बंदे पे लॉक होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए स्प्रे, ये देखो आप लोगों को एक बार करके बता रहा हूँ, ये देखो बंदे पे कहीं पे भी लॉक हो भाई स्प्रे, ये देखो बस बंदे पे लॉक हो, ऐसा बाहर नहीं जाना चाहिए स्प्रे, ठीक है। तो ये एक आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है गाइस। एंड जिस तरीके से मैं यहाँ पे ट्रेनिंग राउंड के यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है, अभी देख लो यहाँ पे जिस तरीके से मैं आता हूँ, एंड यहाँ से आप लोगों को रोज़ प्रैक्टिस करनी है गाइज 1 घंटा, ठीक है, यहाँ पे आना है एंड इस तरीके से आप लोगों को रिकॉल देने की प्रैक्टिस करनी है। ये देखो अभी मैं खड़े खड़े स्प्रे दे रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं क्राउच करके दूंगा एंड देन मैं अभी प्रोन करके दूंगा। तो ये चीज़ की प्रैक्टिस आप लोगों को रोज़ करनी है, इससे गाइज आप लोग जायरोस्कोप आसानी से सीख जाओगे एंड आप लोग जायरोस्कोप को आसानी से मास्टर कर पाओगे गाइस, ठीक है। सो गाइस अब बात करेंगे हम लोग मेन टॉपिक पे, जो है गाइस ग्रिप का, जिससे कि आप लोगों की गन स्टेबल रहेगी गाइस, ठीक है, जिससे कि आप लोग बहुत ही तगड़ी रिकॉल कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है, वो है गाइस ग्रिप। ग्रिप मैटर करती है गाइस, कुछ भी बोलो तुम लोग, ग्रिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा गाइस स्कारल को एक बार चला के, ठीक है, ये देखो स्कारल देखना किस तरीके से चलेगी, ठीक है, इसका साउंड सुना तुम लोगों ने। एंड इसी तरीके से गाइस M4 भी चलेगी, रुको एक मिनट, ये देखो इसी तरीके से M4 भी चलेगी, ये देखो बिल्कुल स्कारल की तरह। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि गाइस इसमें स्टॉक नहीं लगा हुआ है, ठीक है, अगर आप M4 में स्टॉक लगाते हो तो आप M4 देखना कितनी मतलब मीठी लगेगी आप लोगों को चलाते, देख कितना अच्छा लगा, ये देखो बिल्कुल भी स्कारल की तरह नहीं करेगी, स्कारल देखो कैसा करती है, ये देखो भाई। इसीलिए गाइस चाहे मर्जी आप पे कितनी भी अच्छी गन स्किन हो, आप लोगों को स्टॉक लगाना ही लगाना है, ठीक है। अब बात करेंगे गाइस ग्रिप के ऊपर, ठीक है, अभी ग्रिप का कैसा होता है, ग्रिप मतलब अपनी पर्सनल फेवरेट ग्रिप होती है, ठीक है, जिससे कि जिस ग्रिप से आप लोग अच्छा स्प्रे कर पाओगे उसी ग्रिप का आप लोग लगाते हो। जैसे कि गाइस ये देखो मैं यहाँ पे स्कारल पे मेरी हाफ ग्रिप लगी पड़ी है, ठीक है, ये देखना अभी, तो मेरा उतना खास स्प्रे नहीं हो रहा है, ठीक है, हाफ ग्रिप से मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा। अब वर्टिकल ग्रिप में लगा रहा हूँ, ये देखो, तो वर्टिकल से मेरा बहुत ही अच्छा स्प्रे जाता है, ठीक है, क्योंकि मेरे को वर्टिकल बहुत पसंद है, वर्टिकल ग्रिप बहुत पसंद है, मेरी पर्सनल फेवरेट ग्रिप वर्टिकल है, ठीक है, इसलिए गाइस मैं वर्टिकल ही हर बार लगाता हूँ, ये देखो, तो वर्टिकल मुझे अच्छी लगती है तो वर्टिकल में लगाता हूँ। तो ग्रिप तो अपने हिसाब से है, बट
एक चीज़ है कि आप लोगों को वही ग्रिप रखनी है जो ग्रिप आप लोगों को पसंद है, ठीक है। आपकी पर्सनल फेवरेट ग्रिप होनी चाहिए, तभी जमेगा, ठीक है। ये देखो, ग्रिप बहुत मैटर करती है पबजी मोबाइल में, ठीक है। तो ग्रिप लगानी ही लगानी है और स्टॉक M4 में लगाना ही लगाना है, ठीक है। यही था गाइस सिंपली आज की वीडियो पे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक करना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना गाइस, वीडियो पसंद आई होगी तो ही लाइक करना, तो ही सब्सक्राइब करना। अगर नहीं पसंद आई होगी तो बिंदास डिसलाइक करके आप लोग अनसब्सक्राइब, मतलब सब्सक्राइब किया होगा अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप लोग डिसलाइक करके जा सकते हो, ठीक है। बस गंद नहीं फैलानी यूट्यूब पे भाई, ठीक है। तो यही चीज़ें आप लोगों को पसंद आए तो करना, ठीक है। इंस्टाग्राम के भी लिंक दिया हूँ, मुझसे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मेरे से बात कर लो फेस टू फेस। और अगर गाइस कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करो, ठीक है। तो चलो यही है, फ़ोनपे नंबर पेटीएम नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, डोनेट करना हो तो वो भी कर सकते हो, और गाइस बात करनी हो तो इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। तो यही था आज की वीडियो में, तो मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।